अब हमें भी तो इसे सताने का मौका दो, और क्या पता ठंडे ठंडे पानी से नहा के ना उसका दिमाग भी थोड़ा ठंडा ही हो जाए। लेकिन नैवेद्य बनाने से पहले तो ठंडे पानी से ही नहाना होता है ना। और हाँ, गलती से भी छींकना मत, क्योंकि ना अगर तुमने छींक दिया तो वो अपशगुन हो जाएगा, फिर तुम्हें शुद्धिकरण के लिए फिर से ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और जितनी बार छींकोगी ना उतनी बार ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, समझ गई ना? आज शाम को मिलके हम सारी डील फाइनल कर देंगे। कहाँ हो आप, पैसे कहाँ देख रहे? जी हमें जान दीजिए, घर में बहुत काम है, लक्ष्मी पूजा है आज। काम वाम सब बाद में होगा। वैसे आपको पता है आज छोटी सासू माँ ने ऐश्वर्या को नैवेद्य के लिए 32 व्यंजन बनाने को कहा है। क्यों, वो शशिकला तुम्हारी ऐश्वर्या से मुकाबला करना चाहती है? उसको बोल दो कि नंदनी एक ही है, इसके जैसा कोई और नहीं है, इसके आगे बाकी बहुएं पानी कम है। बस कीजिए, अब इतनी तारीफ की आदत नहीं है हमें। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज? क्या बोला तुमने? सरप्राइज? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज होता है, और वो सरप्राइज तुम्हें रात को ही मिलेगा। कहाँ इस घर की रानी बनने आई थी और कहाँ है सासू माँ ने नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। अरे बहुरानी, क्या हुआ? सासू माँ आपने सब क्या काम दे दिया है मुझे, पहले ये बताइए कि 32 व्यंजन होते क्या है? अरे घर की बड़ी बहुरिया हो, सब पता होना चाहिए तुमको। देखो ये नैवेद्य बनाने का जो काम है ना वो पूरा होना चाहिए, अगर पूरा नहीं हुआ ना तो कोड़े मारकर तुम्हारे हड्डियों का चूरमा बना देंगे और घर में सबको खिला देंगे। करती नहीं है किसी का भला, नाम हमारा शशिकला। ज्यादा ही ऑर्डर नहीं चलाने लगी है मुझ पे? मैं यहाँ आकाश को हासिल करने आई हूँ, उसके ऑर्डर सुनने नहीं। लेकिन ऐश्वर्या भी किसी से हार नहीं मानती, पर ये 32 व्यंजन का तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? हेलो, तो आप वो सारा खाना बाहर आंगन में ही रख दीजिएगा, अंदर मत लाइएगा, मैं वो आंगन से उठा दूंगी। लीला जी ने कहा था इसे आंगन में बेंच के पीछे रखना। अरे ये खाने का पार्सल किधर गया? हेलो, खाने का पार्सल कहाँ है? मैं तो वहीं रख के गया था। अगर ये खाना यहाँ रख के गया था पार्सल कहाँ चला गया? ये गिफ्ट किसने रखा है? ये खूबसूरत साड़ी मेरी खूबसूरत पत्नी के लिए। जीरो आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक वाला नहीं हो रहे? भगवान जी, हमारे प्यार को किसी की नजर मत लगने देना, बड़ी मुश्किल से अपने पति का प्यार मिला है हमें।
शाम को जब मैं बुलाऊंगा तो यही साड़ी पहन के आना। लेकिन अंग्रेजी रो अचानक से हमें कहाँ बुला रहे? क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ उस बैग को? सारे मेहमान भी आने वाले होंगे, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रसोई में ब्लास्ट कर देती हूँ। बाद में कोई पूछेगा तो उसे बोल दूंगी कि नैवेद्य का सारा खाना ब्लास्ट में नष्ट हो गया। इससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी और वो शशिकला उस पे कोड़े भी नहीं बरसाएगी। जैसे ही रसोई में कोई माचिस जलाएगा, रसोई में ब्लास्ट हो जाएगा। नंदनी, मेहमान आ गए हैं। जरा बेटा देखो, वो ऐश्वर्या ने नैवेद्य बनाया कि नहीं। हमें तो बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर नैवेद्य में गड़बड़ हो गई ना, हमारे पूजा का अपमान हो जाएगा। जाओ बेटा, जरा जल्दी जाकर देखो। और अब मेरे इस रूम फ्रेशनर की स्मेल से गैस लीकेज की बदबू भी किसी को नहीं आएगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। आज मैं शशिकला देवी के कोड़ों से भी बच जाऊंगी और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन भी मर जाएगी। कुछ नहीं बनाया नैवेद्य के लिए। हे भगवान, अब लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने किचन की गैस लीक कर दी है। अब जैसे ही नंदिनी माचिस की तिल्ली जलाएगी, होगा बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जिससे इसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अब बस कुछ ही देर और, फिर होगा नंदिनी की मौत का धमाका। माचिस के लिए दूसरी लेते हैं। नंदिनी, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें एक गैस लीकेज की बात नहीं आई? अगर हम नहीं आते तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। और वो ऐश्वर्या कहाँ है? इतनी लापरवाह लड़की है ये, गैस ऑन करके वो चली गई। लेकिन दादी माँ, वो सब छोड़े, हम नैवेद्य कैसे चढ़ाएंगे? शशिकला जी, अब और कितना इंतजार करवाएंगी? बुलाइए अपनी बहू को। हाँ हाँ, मिलवाते हैं। क्या है, अब तैयार होकर आएगी ना? बहुत मेहनत किया है उसने। अरे बहुरिया, हेलो, आ गई है। ये देखो। ये रसोई से अब तक धमाके की आवाज क्यों नहीं आई? कहीं हर बार की तरह इस बार भी उसकी सीता मैया ने उसे बचा तो नहीं लिया? ये है हमारी सर्वगुण संपन्न बड़की बहू ऐश्वर्या। ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे सुंदरता तो तब पता चलेगी जब इसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ अन्नपूर्णा है या नहीं। चलो शशिकला जी, अब भगवान को भोग लगा दीजिए। क्या है, नहीं है ना घर में? कहा बेटा, वो 32 व्यंजन बनाए है ना, तो ले क्या हो भैया, मुहूर्त देखोगी का? क्या है, शर्मा रही है थोड़ा सा। 32 छोड़ो, वो एक भी व्यंजन नहीं ला पाएगी।
क्योंकि उसने कुछ बनाया ही नहीं है। जिस बहू को तुम संस्कारी घोषित करना चाहती हो वो असल में काम चोर की मूरत है। उसने सिर्फ तुम्हारा ही नाम नहीं डुबोया है, उसने मां लक्ष्मी का भी अपमान किया है। शशिकला जी, आप तो बोल रही थी आपकी बहू बहुत ही सर्वगुण संपन्न है, पर ये तो बहुत ही बेकार निकली। घर में अगर पूजा रखी है और उस पूजा में नैवेद्य नहीं चढ़ाया तो अपमान होता है और फिर इस घर में कभी लक्ष्मी मां वास नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक हम जिंदा है इस घर में अनर्थ नहीं होगा। हमारे घर में लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। ये लड़की कौन है? हम इस घर की छोटी बहू है, नंदिनी आकाश भारद्वाज। इतनी जल्दी तुमने सब कुछ बना लिया? क्या तुमको पहले से पता था कि ऐश्वर्या कुछ नहीं बना पाएगी? अपनी बहू को बोलो कि नंदिनी से कुछ काम सीखे। नंदिनी देखो कितनी होशियार, कितनी काबिल और कितनी प्यारी बहू है। वैसे भी बड़ी बहू अगर छोटी बहू से कुछ सीख लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। आपकी छोटी बहू ने भगवान का अपमान होने से रोका है। भगवान ऐसी बहू हर घर में दे। एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी ये व्यंजन तैयार कैसे किया? दादी माँ, वो दरअसल ये व्यंजन हमने नहीं बनाया। तो फिर कहाँ से लाई ये? गुड़िया, ये क्या? ये ऐश्वर्या भाभी ने बाहर से नैवेद्य मंगवाया था ताकि वो आपको नीचा दिखाकर खुद को बेस्ट बहू साबित कर सके। पार्सल वाले भैया ने इसे बाहर ही रख दिया था। हमने ऐश्वर्या भाभी के आने से पहले ही इसे उठा लिया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐश्वर्या भाभी बेईमानी दिखाकर आपको नीचा दिखाए। और वैसे भी आपकी अच्छाई हमें बहुत पसंद है नंदिनी भाभी। दुनिया की सबसे प्यारी ननद हो तुम, लेकिन इस प्रसाद का व्यंजन का हम अपमान नहीं होने देंगे। इसे हम नैवेद्य में जरूर चढ़ाएंगे। अपने घर का चम्मच घुमा देते हैं बस। व्यंजन का अपमान ना हो इसलिए उसे प्रसाद बनाकर ले आए हम। शाबाश, तुमने फिर से शाबाशी वाला काम कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमसे शाबाशी लेते लेते थक नहीं जाती? तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती करके मेरी नफरत को ललकारा है ना? इतनी आसानी से तो तुझे नहीं छोड़ूं। मेरी ये चाल तेरी जिंदगी पे ऐसा दाग लगाएगी जिस दाग को देख के तो आकाश भी तेरा साथ छोड़ दे। मुझे फोन मत करना, मैं जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने जो साड़ी तुम्हें गिफ्ट की है उसे पहनकर किसी को बिना बताए होटल रायल के रूम नंबर 203 में मिलने आ जाना। बात हमारे लिए एक और सरप्राइज है। आपका सरप्राइज देने वाला अंग्रेजी हीरो। जैसा बोला है वैसा ही कर। आप फिक्र मत कीजिए ऐश्वर्या, मैंने नंदिनी के लिए सुहाग की सेट सजा ली है। मेरा मतलब है दूल्हा तैयार है, आप बस दुल्हन भेज दीजिए। आज ये किसान की बेटी खेत में फसल नहीं उगाएगी, आज ये किसान की बेटी अपने चरित्र पे दाग लगवाएगी। एक ऐसा दाग जिसे लगाने के बाद तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। ऐश्वर्या
कैसे लग रहा है मंगरेचे हीरो? चांदी की जरी लगती हो, सोने सी खरी लगती हो। अब क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारी? तुम आसमान से उतरी परी लगती हो। से मिलने निकल चुकी है, उसका ऐसा स्वागत करना कि वो जिंदगी भर ना भूले। डियर नंदिनी, आज तेरी इज्जत की नीलामी भी होगी और आकाश के साथ तेरे रिश्ते की बर्बादी भी। आज तो तुझे आकाश से दूर करके रहूंगी। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो। तो ये सरप्राइज था अंग्रेजी हीरो का। पति परमेश्वर, वो भी सिर्फ आज रात के लिए। चुप, छोड़ो हमें, छोड़ो। माफ कर दे, माफ कर दे, गलती हुई मुझसे। तेरी कौन है वो जिसे हमारे दामन में दाग लगाकर खुशी मिलती है? दादी, आपको भी नहीं पता नंदिनी कहाँ है? हम खुद बाहर से अभी आए हैं। हमें ज्योति ने बताया कि नंदिनी घर पर नहीं है और हम भी कब से उसका फोन मिला रहे, पता नहीं लग ही नहीं रहा। हाँ आकाश भैया, हमें भी कुछ पता कि नहीं गई है, वरना हमें तो सब कुछ बताती है। नंदिनी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती, कुछ तो गड़बड़ है बाबे। आकाश, ऐसा तो नहीं कि नंदिनी को किसी ने किडनैप कर लिया हो? इस घर में सारे के सारे उसके दुश्मन है, हमें तो बहुत फिक्र होने लग गई है, कहीं हमारी नंदिनी कोई मुसीबत में ना फंस गई हो। इसके पीछे एक ही इंसान हो सकता है दादी, वो है ऐश्वर्या। नंदिनी के साथ नफरत में वो कुछ भी कर सकती है। नंदिनी कहाँ है? ये कैसा सवाल है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नंदिनी कहाँ है बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे कसम से नहीं पता कि नंदिनी कहाँ है।
मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम ये? तुम ऐसे नहीं बताओगे। नंदनी कहाँ है? बोलो। बोलो वरना मार दूंगा मैं तुम्हें। बताओ नंदनी कहाँ है? आकाश छोड़ो इसे, छोड़ो। बिना सबूत तुम इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? अगर इसे कुछ हो गया तो? दादी इसकी पुरानी हरकतें इस बात का सबूत है कि इसी ने नंदनी के साथ कुछ गलत किया है। नंदनी को एक खरोच भी आई ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। समझ नहीं आ रहा कहां ढूंढूं मैं नंदनी को। घर में जब हमारी फिक्र कर रहे होंगे। आप दोनों यहां इस वक्त Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.